नमस्ते सर, एक बार फिर मैं राजेश रावल आपके शहर आपके गांव में आया हूं और आज मैं गुजरात की धरती पर आया हूं। और आगे बढ़ने से पहले अपन अपना बहुत ही प्यारा किसान है उनसे बात करेंगे जिन्होंने अपने टिकबुट का प्लांटेशन कर रखा है। तो शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम भरत भाई। भरत भाई, आपका गाँव कौन सा है? अपना गाँव नाड़ेरी। और तालुका? चोटीला। चोटीला। और जिला? सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर, गुजरात। गुजरात। आपने अपना बहुत ही अच्छा रोपा लगाया है, पौधा लगाया है, ये किसका पौधा है सर? साग का है। साग का पौधा है, तो ये कितने वर्ष का पौधा है? एक वर्ष का है। ओनली एक वर्ष का पौधा है। एक बार आप नज़र मारिए, एक साल का पौधा कम से कम 13 फीट 14 फीट का हाइट है पौधे का, 15 फीट का हाइट है एक साल के अंदर। और इन्होंने अपने खेत की सीमा पर लगाया है, आप एक बार देख सकता है सारा पौधा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको सर? सुंदर सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग भी आता है देखने के लिए सर? बहुत आता है, बहुत लोग आता है, क्योंकि इनका जो ये फार्म है रोड के एकदम जस्ट किनारे पे है, तो जो भी यहाँ से गाड़ी लेके निकलता है वो गाड़ी रोक के इनसे बात करता है, अरे ये पौधा काय का है, बहुत सुंदर पौधा है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो जब ये हमारा जो प्रतिनिधि है कंपनी का आपके पास आया था पौधे के बारे में बताने के लिए, तो विश्वास हुआ था आपको? विश्वास तो होगा ना, हुआ था। कितना बड़ा पौधा आया था जब मिला था? तो छोटा छोटा पौधा आया था, छोटा, बहुत छोटा पौधा आया था, 8 इंची का 10 इंची का पौधा इनको दिया था और इनको विश्वास था कि ये पौधा होगा बराबर। और आज देख रहे हैं अपन साल भर में पौधा कम से कम 14-15 फीट का हाइट ले लिया है। और कुछ पौधा खराब भी हुआ था सर? थोड़ा पौधा भी खराब हुआ था बता रहे हैं। दोबारा दिया गया, फ्री में दोबारा दिया गया, दोबारा दिया फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं लिया है, नहीं निःशुल्क दिया है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे आप? ये करो, वो भी करो, अपनी खेतों की जो भी सीमा है मेड़े हैं उसमें लगाओ, ताकि आने वाले समय में बहुत आपको लाखों करोड़ों रुपये का इनकम देने वाला है। क्योंकि ये जो सागवान की खेती है, मैं बताना चाहूँगा सर, ये भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसका बहुत डिमांड है, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये घनफिट से बिकता है और अभी इंडिया में जितना इसका डिमांड है इतना प्रोडक्शन नहीं है। तो आप किसान भाई इसको अपनी मेड़ों पे करके या खेत के अंदर 12x9 करके या एक टुकड़ा निकाल के स्पेशल भी करके अपन आने वाले समय में 10-12 साल बाद लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। तो फिर मैं विदा लेना चाहूँगा, धन्यवाद। नमस्ते।